हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था जो कि क्लासिकली नहीं समझाया जा सकता था कि उसमें इस एनर्जी का स्पेक्ट्रम क्यों इस तरह का आया है। तो उसको प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी से समझाया था कि लाइट जो होती है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है और उनको क्वांटा का नाम दिया था। तो उसकी हेल्प से रेडिएशन को समझाया गया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक ऐसा फिनोमिना था जिसको क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी देकर कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती हैं और इन पैकेट्स को फोटॉन्स कहते हैं और इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती हैं, उन्होंने प्लैंक का ही एजम्पशन लिया था। उस एजम्पशन को लेकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किया था क्वांटम मैकेनिकली। तो फ्रेंड्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, आप लाइट पड़ती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शुरू हो जाता है, तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटालिक सर्फेसेज बाय द इम्पैक्ट ऑफ लाइट ऑन देम। जब आप लाइट डालते हैं मेटालिक सर्फेस पर तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो हर्ट्ज ने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया था 1887 में। तब उन्होंने देखा था कि जिंक का एक कैथोड लिया उन्होंने, तो जिंक के कैथोड या जिंक या मेटल के कैथोड पर जब अल्ट्रावायलेट रेज डाली तो देखा कि इस सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए लियोनार्ड ने, थॉमसन ने और मिल्कमैन ने, तीनों साइंटिस्ट ने एक ऑब्जर्वेशन ली कि ये अलग अलग एल्कली मेटल्स या फिर और भी मेटल्स हैं, इन सबके सरफेस से लाइट डलने पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स उस टाइम थी, 1900 से पहले पूरी तरह से क्लासिकल फिजिक्स का होल्ड था और क्लासिकली इस फिनोमेना को समझाया नहीं जा सकता था। लेक्चर के एंड पार्ट में हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्लासिकली क्यों नहीं समझाया जा सकता है, क्वांटम मैकेनिकली कैसे समझाया गया, क्योंकि उससे पहले आपको ये सब स्टडी करना ज़रूरी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो हर्ट्ज ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट लिया और बाद में आइंस्टीन ने समझाने के लिए एक बल्ब लिया इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए। ये बल्ब क्वार्ट्ज का था और डिफरेंट एल्कली मेटल्स ली और उनके ऊपर डिफरेंट लाइट डाली और उससे जो इलेक्ट्रॉन एमिशन था, ये एनोड है, एनोड को आपने पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से डिफरेंट पोटेंशियल दे सकते हैं और उस पोटेंशियल की वैल्यू इस वोल्टमीटर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। और साथ में सर्किट के सीरीज़ में एक एमीटर लगाया है, अगर किसी भी तरह का करंट सर्किट में फ्लो रहा है तो उस एमीटर की हेल्प से आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया गया और ये एक की लगाई गई है जिससे पोटेंशियल पॉजिटिव और निगेटिव भी बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस तरह का अरेंजमेंट करने के बाद आइंस्टीन ने देखा कि जो करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो कुछ चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कैसे करता है कि अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगाना शुरू करते हैं, ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर हमने किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी और पर्टिकुलर इंटेंसिटी इसकी रेडिएशन डाल रहे हैं। पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आपने मान लो न्यू ले ली और इंटेंसिटी ली है। फ्रेंड्स, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी का मतलब आप समझते हैं, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स डाल रहे हैं। और फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो सकती है उसको लिया है, हो सकता है वो विजिबल रीजन में हो, मोनोक्रोमेटिक है, आपने मान लिया रेड लाइट या येलो लाइट या किसी भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट ली है या आपने अल्ट्रावायलेट रीजन की ली है। तो उन्होंने पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट डाली और तब करंट को नोट किया। तो करंट देखा कि जीरो वोल्टेज लगाने पर,
यहाँ पे आपने वोल्टमीटर से जीरो वोल्टेज लगा रहे हैं तब भी एमीटर में करंट फ्लो हो रहा है। फिर आपने क्या किया है, की चेंज की और रिवर्स रिटार्डिंग पोटेंशियल देना शुरू कर दिया, यानी एनोड पे आपने निगेटिव पोटेंशियल देना शुरू किया हो तो धीरे धीरे क्या होता है, करंट फ्लो करना बंद हो जाता है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड ग्राफ बना हुआ है ये इसको समझाने के लिए है। ये वाला ग्राफ है कि अगर जीरो, इवन जीरो पोटेंशियल आप लगा रहे हैं तब भी एक करंट मिलता है, और इससे ज़्यादा वोल्टेज आप बढ़ाते हैं तो ये सैचुरेशन करंट मिलता है, करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है। लेकिन अगर आप रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाते हैं तो धीरे धीरे करंट कम होता चला जाता है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और इस पर्टिकुलर वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर किसका इफेक्ट हुआ, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। देखिए फ्रेंड्स, इंटेंसिटी मैंने अभी बताया था, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, जो आप लाइट फॉल कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहे हो दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है और एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ये तो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे कि कोई पर्टिकुलर फोटोन इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो तब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही एमिट करेगा, यानी मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकता है तो फोटोन उस वो इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एनर्जी को बाहर निकलने में यूज़ करेगा और कुछ एनर्जी जो कि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को इनक्रीज़ करेगी। आप समझ पा रहे हैं, ये मेटल का सरफेस है, यहाँ पे लाइट आ रही है, बहुत सारे फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे मेटल के, मान लिए यहाँ पे 5-6 कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट कराएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पैकेट्स इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएंगे, वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, इसका क्या यूज़ है और क्या चीज़ है। तो आपको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने इस पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया उसकी एनर्जी को, और इस फोटोन की एनर्जी कैसे असाइन होती है, एच न्यू से। ठीक है, तो कुछ तो ये एनर्जी जो है फोटोन की इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में यूज़ हो गई और कुछ इसको काइनेटिक एनर्जी देने में यूज़ हो गई है। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी अगर डबल कर देते हैं तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, फ्रीक्वेंसी आपने न्यू ली थी, इंटेंसिटी आई ली थी। सेकंड केस में आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी न्यू ही रखी है और इंटेंसिटी को डबल कर दिया है, यानी नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से फोटोन की जो एनर्जी है वो तो इंक्रीज नहीं हुई है, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देगा बाहर निकलने के लिए और कुछ काइनेटिक एनर्जी देगा। तो नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ाने से, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और ये आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं दोनों चीज़ के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और इंटेंसिटी के लिए। अब थर्ड चीज़ आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट के लिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रेंड्स, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एच न्यू की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी है पहले एच न्यू थी, अब आपने क्या कर दिया, थोड़ी सी बढ़ा दी है, एच न्यू डैश कर दी मान लिया, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकलने के लिए जितनी एनर्जी पहले ले रहा था उतनी ही अब ले रहा था, तो यानी ये वाली जो वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने में यूज़ हो रही थी, ये वाली एनर्जी तो सेम ही रही, तो क्या चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे आप
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वो एनोड पे पहुंच रहे हैं। पहले आपको ये वाला पोटेंशियल लगाना पड़ रहा था करंट को ज़ीरो करने के लिए, उसके बाद आपको अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ज़्यादा पोटेंशियल लगा के रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने शुरू हो गए हैं। पहले आपने जो लगाई थी काइनेटिक एनर्जी के थी, दूसरी बार के डैश हो गई है, के डैश ज़्यादा है, तो आप इसको ज़्यादा पोटेंशियल लगाकर स्टॉप करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी या रिटार्डिंग पोटेंशियल को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सैचुरेशन करंट की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री, जिसमें न्यू थ्री ग्रेटर दैन न्यू टू एंड न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन है, तो ये दिखाया गया है न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री के लिए, तो इनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। बाद में हम फाइनल रिजल्ट में भी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा गया इफेक्ट ऑफ फोटो मेटल। मेटल किस तरह के लिए है, हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग है। हर मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो जो वर्क फंक्शन होता है वो हर मेटल का अलग है। तो एल्कली मेटल्स में बड़ी आसानी से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन और मेटल जैसे जिंक हुआ, उन सब में थोड़ा अल्ट्रावायलेट रेज डालनी पड़ती हैं, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की डालनी पड़ती हैं रेज, उसके लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे ये चीज़ दिखाई गई है न्यू और वीएस, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है अलग अलग मेटल के लिए, और इनके लिए इस रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने इतना पढ़ लिया है, अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकली कैसे ट्रीट किया और क्वांटम मैकेनिकली कैसे ट्रीट किया, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेव थ्योरी कैसे फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए, और क्वांटम मैकेनिकली या क्वांटम थ्योरी से किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया गया, और थर्ड हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को भी स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है उसमें एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, और लाइट की एनर्जी की मेजरमेंट इंटेंसिटी से की जाती है। तो अगर वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने की कोशिश की जाए, तो मेटल सरफेस पे अगर कोई लाइट पड़ेगी तो जिस भी पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट है, ये मेटल सरफेस है, इससे पे वेव जा रही है और किसी भी इंटेंसिटी की है आई की, तो ये पूरी तरह से इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और पूरी सरफेस पे एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कोई भी निकल सकता है, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं वो डिपेंड करेगी लाइट की इंटेंसिटी पर। लेकिन क्वांटम लेकिन देखा गया रियलिटी में कि अगर डिम लाइट है या फिर इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ही इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्लासिकली क्या कहा था कि इंटेंसिटी वेव की एनर्जी की मेज़रमेंट है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट हम डाल रहे हैं, तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था, एक्चुअली में इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे थे जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनकी एनर्जी के इंक्रीमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इससे पहले भी हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था, उस ग्राफ में वी वर्सेस आई था और इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे थे, तो ये आई पे और ये टू आई पे इंटेंसिटी के इंक्रीज करने पर, ये इंटेंसिटी है फ्रेंड्स, ठीक है, पहले इंटेंसिटी आई थी अब डबल हो गई है, तो इंटेंसिटी डबल करने से एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। ठीक है, तो फर्स्ट तो फेलियर यही हुआ वेव थ्योरी का कि इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट थी एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। सेकेंड फ्रेंड्स, क्लासिकली फ्रीक्वेंसी अगर लो भी करें या हाई भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इलेक्ट्रॉन के एमिशन पर, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर लो फ्रीक्वेंसी की आपने लाइट डाली है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तभी एमिट होता है जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल के सरफेस पर पड़ती है। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट पड़ती है तो रिटार्डिंग पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। दैट मीन्स कि क्वांटम मैकेनिकली प्रूव हो गया कि फ्रीक्वेंसी जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। थर्ड वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये देखा गया, ये कहा गया कि अगर इंटेंसिटी बहुत डिम है तब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी एनर्जी की मेजरमेंट है। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी कम कर दी यानी लाइट को डिम कर दिया तब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होने चाहिए, लेकिन देखा गया कि इंटेंसिटी चाहे डिम भी कर दें तब भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। और साथ में वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन के लाइट के मेटल सरफेस पे पड़ने और सरफेस से इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में टाइम लैग होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली या एक्सपेरिमेंटली ये भी प्रूव हुआ कि जैसे ही सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता है। तो क्वांटम मैकेनिकली ये सारे फीचर्स जो कि एक्सपेरिमेंटली देखे गए उनको एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन क्लासिकली जो रिज़ल्ट थे वो डिपेंड करते थे लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी है और साथ में फ्रीक्वेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इलेक्ट्रॉन एमिशन पर। फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी कम हो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ये सब अपोजिट थे एक्सपेरिमेंटली और उनको समझाया जा सकता था क्वांटम मैकेनिकली। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉ क्या थे। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी अब हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ हमने डिस्कस की है, उसको समराइज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड हैं वो इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, यानी कि करंट की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है नंबर ऑफ़ फोटॉन्स इंक्रीज़ करना होता है इंटेंसिटी की मेज़रमेंट। जितने नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट होंगे और उतना ही करंट इंक्रीज़ होगा। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस देख लेते हैं। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और साथ में रिटार्डेड पोटेंशियल जो आप लगा रहे हैं उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। पहले आपका माइनस वी जीरो था, पहले आपका मान लो माइनस वोल्ट पे स्टॉप हो रहा था करंट, अब आपको रिटार्डेड पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा, माइनस टू वोल्ट करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे इधर आपका रिटार्डेड पोटेंशियल की वैल्यू भी निगेटिव में बढ़ती चली जाएगी, निगेटिव एक्सेस पे। थर्ड, कि जब कोई लाइट को आप मेटल सरफेस पे डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन तुरंत एमिट होता है, उसके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो फ्रीक्वेंसी आपने लाइट के लिए है वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिस पे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, वो डिपेंड करता है मेटल टू मेटल, हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए ज़रूरी होती है, यानी इससे कम फ्रीक्वेंसी पे कोई इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा और सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, चाहे आप कितना भी पोटेंशियल उस पर अप्लाई कर लें। तो फ्रेंड्स, ये तीन चार लॉ हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हैं, और साथ में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक इक्वेशन भी दी थी, उस इक्वेशन को लिखा जा सकता है एच न्यू इक्वल टू, यानी ये इंसिडेंट जो लाइट है उसमें फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस के निकलने के लिए, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि जितनी आपने एनर्जी दी
एक फोटोन के पास है, कुछ तो इलेक्ट्रॉन को एमिशन में यूज़ हो रही है और कुछ उसके जो बाकी बची हुई है वो उसको काइनेटिक एनर्जी देती है। ठीक है फ्रेंड्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और ये जो इक्वेशन है इसकी हेल्प से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल हम अलग प्लेलिस्ट में कराएंगे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है उस पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।